हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड फोर्थ मैथ्स चैप्टर 11, टेबल्स एंड सेल्स। श्याम्स गार्डन। श्याम हैज अ प्लांटेड सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन। सी हैज अ प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर पिट्स। हर गार्डन लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फ्लावर बिड्स को, सॉरी सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट लगा रहा है। पर वो क्या कर रहा है, जो भी है वो 3 रोज में कर रहा है। सी हाउ आई प्लांट 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। अगर वो 18 फ्लावर्स लगा रहा है तो ईच फ्लावर बेड में कितना होगा, तो अब कितने में ये कर रहा है, 3। यानी ईच फ्लावर बेड इज ए डिफरेंट अरेंजमेंट। अब देखो, जैसे 18 है, अगर हमें ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 18। अब ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे एक ही रो में 18 कर दें। देखो फर्स्ट में दिखा रहा है, एक फर्स्ट रो में कर दी, फिर 3 3 की, तो यानी 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6, तो कितनी रोज बनी, 6 रो बनी। देन 2 रोज की, यानी 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 9 18, यानी कितनी रोज बनी, यहाँ पे 2 रोज बनी। आप फोटो में देख सकते हो, एक ही रो में अगर सारे के सारे 18 पौधे हैं जो वो उगा दे, ऐसे ना करे, 3 3 की करे, तो कितनी रोज बनेंगी, 6। यहाँ पे कितनी रो बनी, 2, अगर वो 9 9 करता है तो। अब 18 की अब कैसे हो सके, यहाँ पे दूसरे दिखा है कि कैसे, जैसे 18 1 1 की कितनी 80s, यानी कितनी रो हुई, एक रो एंड 18 प्लांट्स। सेकंड क्या हम ये भी कर सकते हैं कि 2 9 18, यानी कितनी रोज हुई, 1 एंड 2, प्लांट कितने होंगे, 18। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं हम 6 3 यानी कितनी रोज होंगी, 6, एंड प्लांट कितने होंगे, 18। ठीक है, ये आप डिफरेंट जैसे 3 भी कर सकते हैं कि 3 रो ही करें हम, पर कितने कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, यानी रो कितनी हुई, 3, और प्लांट कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको बुक में, नोटबुक में क्वेश्चन 1 करके लिखना है। नेक्स्ट, जार्स इन द सेल्फ। भीमा मेड अ सेल्फ फॉर 13 जार्स। दिस इज अ लॉन्ग सेल्फ विद 2 रोज। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ जार्स। अब भीमा क्या कर रही है कि 13 जार्स को लगा रही है, तो फोटो में भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी रोज में लगा रही है वो, 2 में, यानी टोटल कितना है, 13। 2 रोज में करना है तो 15, यहाँ पे हमने काउंट भी किया कितने जग्स हैं, 15 हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू मेक अ सेल्फ टू कैप 30 जार्स। यस, 30 जार्स को हम और भी कर सकते हैं, जैसे इसने 15 15 की 2 की है, वैसे हम 10 10 की 3 कर दें तो भी कितने जार्स होंगे, 13। 5 5 की 6 कर दें तो भी कितने जार्स होंगे, 13। तो ये आपको आपके हिसाब से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ड्रॉ अ सेल्फ सो हाउ मैनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मैनी रोज आर देयर। ठीक है, तो ये आपको और आपके फ्रेंड्स का देखना है और फिर वो टेली करना है। I don't know multiplication of the 7. बंटी बोल रहा है, पर गुड्डू क्या बोल रही है, I know the table of 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the table of 2 and 5. यहाँ पे क्या बता रही है कि मैं 2 और 5 का टेबल मिला के, आप सबको तो 7 का टेबल आता ही है ना, और ये क्या बोल रही है कि मैं 2 और 5 का टेबल मिला के कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो फोटो में दिख रहा है, 2 का टेबल तो आता ही है, 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 4 2 8 5 2 10
सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, एट टू ज़ा सिक्सटीन, नाइन टू ज़ा एटीन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी। वैसे ही फाइव का टेबल, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव, फाइव एट ज़ा फोर्टी, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव एंड टेन फाइव ज़ा फिफ्टी। अब उसने क्या किया तो इन दोनों का प्लस कर दिया, फाइव प्लस टू सेवन, फोर प्लस टेन फोर्टीन, सिक्स प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी वन, एट प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी एट, टेन प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव। एंड उसने क्या किया, उसको सेवन का टेबल नहीं आ रहा था पर उसको टेबल ऑफ टू एंड टेबल ऑफ फाइव आ रहा था, तो फाइव प्लस टू करे तो कितना आंसर आएगा, सेवन। यानी उसको ये टेबल के लिए क्या किया, फाइव और टू के टेबल को प्लस कर दिया, ठीक है। वैसे ही हेल्प बनी टू मेक द टेबल ऑफ सेवन यूजिंग अ फोर एंड थ्री, फोर एंड थ्री, फोर प्लस थ्री करो तो फोर के बाद सिक्स सेवन एट, सॉरी फोर प्लस थ्री, फोर के बाद फाइव सिक्स एंड सेवन, आंसर क्या आएगा, सेवन आएगा, ठीक है। तो अब ये बनी को किसका टेबल आता है, फोर का एंड थ्री का, तो उसकी हेल्प करते हैं। फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर। तो ये मैं मान रही हूँ कि आपको टेबल आते ही हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ पे टेबल कंप्लीट करोगे। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। फिर क्या करना है, अब इन दोनों का प्लस कर देना है, तो आंसर सेवन का टेबल उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। यहाँ पे देखो मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन वन करके फर्स्ट लिखना है प्लांट्स वाला, क्वेश्चन टू जो जार वाला था वो लिखना है, क्वेश्चन थ्री योर सेल्फ जो आप बना रहे थे यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है आप कोई भी ले सकते हो, क्वेश्चन फोर जैसे यहाँ पे देखो टेबल भी उसने कंप्लीट कर दिए हैं, फोर का एंड थ्री का एंड देन प्लस किया तो टेबल सेवन मिल गया, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।